तुरंत शुरू करें। अगले कॉलर। हाँ जी जय हिंद। मैं नागपुर से सतीश बैस बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, इंग्लिश भाषा में मुट्ठी भर लोगों के लिए पैसे कमाने का साधन बन गया है। हाँ, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो सुशिक्षित पढ़े लिखे लोग सिर्फ इंग्लिश नहीं आता, इसके लिए फाइनेंशियल आर्थिक नुकसान सहन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हर सरकारी विभाग में हर जगह इंग्लिश में ही सारे फॉर्म होते हैं जो भर नहीं सकते। साधारण सा बैंक में भी राज्य स्टेट लैंग्वेज हिंदी भाषा सप्ताह मनाते हैं, लेकिन सभी हिंदी को बढ़ावा नहीं दे रहे कोई। इसके लिए सभी का प्रयास होना चाहिए कि भाई हिंदी में हर गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में पहला हिंदी का कोई भी फॉर्म जो भरने की सुविधा और हिंदी लैंग्वेज में प्रिंटिंग होना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन ये तो आप हम सब जगह पर हिंदी की बात कर रहे हैं, आज तो हम आज के बिंदास में केवल न्यायालय की भी बात करें तो वहां भी ये नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मिस्टर से बोल रहा हूँ जी, पवन भारद्वाज। हाँ, ऐसा है, मैं काले जब हिंदुस्तान से गया था, हाँ, उसने कहा था कि मैं यहाँ पे काले अंग्रेज छोड़ के जा रहा हूँ। संसार में केवल हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा का अपमान हर जगह हो रहा है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो। हमारे हिंदी फिल्मों के जितने भी कलाकार हैं वो रोजी रोटी तो हिंदी की फिल्मों से कमाते हैं, लेकिन जब बातचीत करते हैं तो अंग्रेजी में करते हैं, और अंग्रेजी बोलना अपने आप को सभ्य समझा जाता है, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान हर जितना पढ़ा लिखा वो ज्यादा करता है, बनिस्बत जो लोग मीडियम क्लास के लोग हैं। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि बिंदास बोल जो है वो कम से कम वो बातें समाज के आगे लेकर आ रहा है जो ऐसा हमारे हृदय में थी कि हमारी को बात सुने, हम बात कर सके। बिल्कुल। इसके साथ मैं आपको एक विशेष हाथ को थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ। कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा गद्दार है स्वामी अग्निवेश, मैं सब चैनल आपके चैनल पर उसको थोड़े 3 दिन पहले देखा, मेरे को हार्दिक दुख हुआ कि ऐसे गद्दार को अपने टेलीविजन पर मत दिखाइए, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हम किसी को अपना पक्ष रखने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए अपने मंच का उपयोग नहीं करने देते। अग्निवेश का पर्दाफाश सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया होगा तो सुदर्शन ने किया है। किस मुद्दे के रेफरेंस में आप बोल रहे हैं इसकी हम जानकारी लेंगे, या आप कार्यक्रम के बाद इस विषय को हम तक पहुंचाइए, हम जरूर इस विषय को देखेंगे। कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कुछ एमएमए साथ ज्यादा संख्या में आए हैं, वो देख लेते हैं। कोर्ट की कार्रवाई हमारी अपनी भारतीय भाषा में होगी, तो उससे जो लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी होते हैं, तो वो लोग अपनी अपना केस लेकर के कोर्ट में जाते हैं, तो लोग अगर इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका जवाब नहीं। क्या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? क्या केवल पढ़े लिखे और वो भी इंग्लिश पढ़े लिखे ही न्याय मांग सकते हैं या न्याय मांगने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं? यह सवाल एमएमएस उठाता है। क्या आप कहना चाहते हैं? कॉलर। जय हिंद। मैं दीपाली अग्रवाल छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ। भारत में हजारों भाषा है, बोली है, इंडिया में एक अंग्रेजी ही बड़ बोली है। भारत सीधा है, सहज है, सरल है, इंडिया में धूर्त, चालाक और कुटिल है। हिंदुस्तान में हो गया हिंदी का यह हाल, हिंदी आहें भरती है पूरे 12 मास। सिर्फ देश का न्यायालय ही क्यों, देश की संसद में मंत्री लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं, और कितने दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री हिंदी दिवस तो मनाते हैं पर हिंदी बोलना नहीं जानते। सिर्फ न्यायालय ही से क्यों, अपने को हमको संसद से सुधार जरूरी है। संसद में मंत्री लोग क्या बोलते हैं ये आम जनता की समझ में ही नहीं आता, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अभी अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं हुए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि हम माता पिता ही अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि बच्चे अंग्रेजी पढ़े और हिंदी में काम करें। ये विचार करने योग्य बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, धन्यवाद। यहाँ पर हिंदी भाषा की समस्या के ऊपर जो सेमिनार होते हैं, जो चर्चा सत्र होते हैं, वो भी इंग्लिश में चलते हैं। यही इंग्लिश को बचाने के लिए, हिंदी को बचाने के लिए अंग्रेजी प्रयास है, और ऐसे ही प्रयासों के कारण हिंदी कहीं की नहीं रह रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जहीन सर। जहीन सर बोलिए। सर ऐसे तो अपनी मातृभाषा, ऐसे तो इंडिया के अंदर 25 भाषा है, उन सबको छोड़ के अपनी मातृभाषा हिंदी है। हाँ। सब काम हिंदी में होना चाहिए। अपने आजकल स्कूल में भी हर भाषा से बात करते हैं, मातृभाषा अपनी हिंदी है, हिंदी में बात करनी चाहिए अपने, और हिंदी में ही लिखो। हर हर
कॉलेज या स्कूल में कहीं पर भी जाओ पुलिस स्टेशन में हर मातृभाषा हिंदी में ही बात करना चाहिए। धन्यवाद। केवल हिंदी की ही बात नहीं है, हिंदी तो इस देश में सबसे ज्यादा जगह पर बोली जाती है, ज्यादा लोगों में समझी जाती है, दुनिया भर में भी यही स्थिति है, लेकिन स्थानीय भाषा में भी यह होना चाहिए। जिसको जिस भाषा में स्थानीय स्तर पर कम से कम हम इसका कोई ऐसा मानक तय करें तो जो राज्यों में सबसे बड़ी भाषा है उन भाषाओं में हम इस कार्यवाही को करने का आग्रह कानून कर सकते हैं। अगले वाले जहीन। यस सर, एक्चुअली मुझे हिंदी के बारे में जो भी कहना है, इस देश में हिंदी की जो हालत हुई है हाँ वो बहुत बुरी हालत हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो है न्यूज चैनल पे जो इंग्लिश के न्यूज आते हैं सबसे पहले उन्हीं पे ब्रेक लगाना चाहिए। धन्यवाद। जो कि किसी चीज को रोक करने के बजाय हम दूसरी चीज को ज्यादा बढ़ावा दे, इंग्लिश चैनलों के इंग्लिश खबरों को रोकने के बजाय हम हिंदी को ज्यादा बढ़ावा दे, ये मांग मुझे ज्यादा संयुक्तिक लगती है, इसका प्रचार ज्यादा होना चाहिए। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। अगर अध्यापक अधिकारी भाई हिंदी में आती है तो गरीब आदमी का बच्चा भी वकील बन सकता है, हाँ न्यायाधीश बन सकता है। हिंदुस्तान की बहुत कम स्थिति है हमारी, ये अंग्रेजी में चलते है। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए। अदालतों से भारतीय भाषाएं खत्म हो जाएंगी। वैसे तो बहुत कम जिला अदालत है जहां क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यवाही होती है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई समितियां बनी, कई सर्कुलर जारी हुए, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी ना तो दिल्ली की अदालतों के कंप्यूटरों में हिंदी भाषा के फॉन्ट हैं और ना ही टाइपराइटर। आम आदमी अदालती पत्र और आवेदनों को नहीं समझ पाएंगे। आम आदमी को अदालत का पत्र पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए पैसा देना पड़ता है। अदालत में आवेदन करने के लिए अंग्रेजी के जानकार की जरूरत पड़ती है। मुजरिम और पीड़ित अदालती कार्यवाही को नहीं समझ पाएगा। जब मुजरिम और पीड़ित पक्ष अंग्रेजी भाषाओं को जानता नहीं तो वो कैसे समझ पाएगा कि वकील और जज में क्या कानूनी बात हो रही है। अदालती कार्यवाही से आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा जब ना तो पीड़ित को पता चल पाएगा कि उसे सही न्याय मिला या नहीं। मुजरिम कहता है उसे सही सजा नहीं मिली क्योंकि उसे पता ही नहीं कि किस नियम के तहत उसे सजा मिली है। भारतीय भाषाओं के जानकार अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। जो अदालती कर्मचारी हिंदी और दूसरी भाषाओं को प्रमुखता देते हैं उन्हें छोटा समझा जाता है, लेकिन जो थोड़ी सी अंग्रेजी में गिटर पिटर करता है उसे बड़ा माना जाता है, चाहे उसे कानून का सही ज्ञान हो या ना हो। भारतीय न्याय प्रणाली को हाईजैक कर लिया जाएगा। अदालतों में जाकर अभी भी ऐसा लगता है जैसे आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं, जैसे अंग्रेजी अफसर भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देने और धमकाने के लिए दुभाषिये का प्रयोग करके सजा सुनाता था, ऐसे ही आज हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जहीन। सर नमस्ते, मैं वेंकटराम बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ हेलो, बोलिए आप क्या कहेंगे। मैं हिंदी का बात में बात कर रहा हूँ। ये हिंदी जो है हिंदुओं का जोड़ने का भाषा है। हाँ अगर ये भाषा नहीं जोड़ेगा तो हिंदू कभी नहीं जोड़ेगा। ये विभिन्न भाषाओं के वजह से ये हिंदू टूटा हुआ है आजकल। धन्यवाद। हिंदुस्तान को जोड़ना है तो हिंदी जरूरी है। अगले कॉलर जहीन। सुरेश जी जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं बहरोड अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्व में सेकंड नंबर की आबादी का देश है हमारा, कृषि प्रधान देश इसको कहते हैं, लोग गांव में निवास करते हैं, 70% आबादी गांव में रहती है और अंग्रेजी का जिनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। एक चाइना है, रूस है, जापान है, जहां अपनी भाषाओं पे उनका पकड़ है और विश्व में अपनी भाषाओं को वो लेकर चलते हैं, जबकि एक हमारा देश है कि वो अंग्रेजी को लेकर मतलब जो है क्या दिखावा करना चाह रहा है। एक आम आदमी अदालत में जाता है सर, वो ठगासा महसूस करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जो अदालतों में जाता है वो ठगासा महसूस करता है, ऐसा क्या कारण है कि कोई चंबल के घाटी में जाने से नहीं डरता लेकिन न्यायालय में जाने से डरता है? क्या कारण है
कि लोग आतंकवादियों के जो संवेदनशील इलाके हैं या जो खास करके नक्सलवादियों के क्षेत्र है वहां जाने से नहीं डरते, लेकिन न्यायालय में आने से डरते हैं, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि ये हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो अदालतों में इंग्लिश इसलिए लागू चल रही है, हाँ। एक तो हमारे नेता जो है वो सारे इंग्लिश भाषी है, हाँ। इस देश का राष्ट्रपति और वित्त मंत्री कभी हिंदी बोलते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, तो वो किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में या अदालत में कैसे लागू करेंगे इंग्लिश को। दूसरा, जो वकील इंग्लिश बोलता है वो सिर्फ अपनी फीस को, अपने क्लाइंट की फीस को जस्टिफाई करने के लिए इंग्लिश बोलता है, ताकि उसको क्लाइंट को ये समझ में आए कि हाँ मेरा वकील बहुत तगड़ा है, हाँ। और चाहे वो उसके फेवर की बात हो या नहीं हो, जब बाहर निकलेगा तो हार भी जाएगा तो कहेगा जी मैंने तो बहुत डिस्कशन की थी लेकिन अदा उसने जज साहब ने नहीं किया। तो ये सिर्फ वकील और इन सब की वकीलों की भी मिली भक्त है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि उसने इंग्लिश में क्या बात की उसको समझ में नहीं आया, तो उसको कह भी कैसे सकता है कि तुमने सही तर्कों के आधार पर मेरे लिए वह पक्ष नहीं रखा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष भारती है, मैं गांव बाउडला सेक्टर 8 द्वारका से बोल रहा हूँ। हाँ, हमें दिक्कत ये है कि हमारी जमीन गई थी द्वारका डीडी में, हाँ। और लैंड एक्विजिशन एक्ट टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाँ। हमारे पिताजी ने 25 साल केस लड़ा है और 25 साल वकीलों ने क्या उनको घुमा घुमा के पैसे भी ऐठे हैं और 25 साल जमीन भी चली गई, ये नहीं पता लगा, हाँ। कि भाई क्या कानून के तहत हमारी जमीन ली गई, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ते थे 25 साल तक हम लड़ाई लड़ी और ये ही पता लगता था कि वकील क्या सेटिंग होती थी उनकी आपस में। बिल्कुल, या आपने और, आप बीती बता रहे हैं आप, धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि 25 साल तक इनको यह पता ही नहीं चला कि डीडीए ने इनकी जमीन किस कानून के आधार पर ली है और उस कानून को ये कैसे विरोध करे। 25 साल तक वकील फीस मांगते रहे और ये जमीन बेच बेच कर, जो बची हुई जमीन थी उसको भी बेच बेच कर लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिर तक इनको पता ही नहीं चला कि आखिर किस कानून के तहत ये हुआ है और कैसे उसके विरोध में हम अपना पक्ष रख सकते हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहे, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, न्यायालय में हिंदी क्यों नहीं या न्यायालय में हमारी स्थानीय भाषा क्यों नहीं। अब तक के कॉलर ने इस पक्ष में अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया में आने वाली सारी ही प्रतिक्रिया और टेलीफोन कॉल पर आने वाली भी सारी प्रतिक्रिया यही कहती है कि ये इंग्लिश का अति हो गया है और इसको रोकना जरूरी है। क्या आप कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। चलते कॉलर के पास। जहीन, नमस्कार सर, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब रूस और चीन जैसे देश अपने देश में जो एमबीबीएस जैसे प्रोफेशन है इनको हिंदी में अपनी मातृभाषा में करवा सकते हैं, तो अपने भारत में ऐसा क्यों नहीं, क्यों वो हिंदी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आप देखेंगे LLM में आपके पास होता है कि आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, लेकिन LLM जब आप करते हो तो केवल आपके पास यही प्रावधान होता है कि आप इंग्लिश में ही करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी को भी इक्वल उसके साथ बराबर जो है वहाँ स्थान देना चाहिए। धन्यवाद।